जम्मू कश्मीर के शोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जम्मू और कश्मीर के शोपोर में शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। भारी बारिश के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में दिक्कतें पैदा हो गई हैं। लगातार बारिश के कारण मुंबई के लोगों को एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मुंबई गोवा हाईवे को लैंडस्लाइड के कारण बंद कर दिया गया है और टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। टीम इंडिया आज वेस्टइंडीज के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा में अपना पहला T20 मैच खेलेगी। भारतीय समय अनुसार मैच का प्रसारण रात 7:30 बजे किया जाएगा। मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स लाइव पर किया जाएगा। इसके अलावा सोनी लाइव ऐप पर मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोनातन पाड़ू गांव में आज सुबह एक बिस्किट कारखाने में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।